हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिनी स्टेज पर। आज हम बनाने वाले, हमारे दर्शकों के डिमांड में उन्होंने हमें बोला कि प्रॉन्स बिरयानी बनाने के लिए, तो हम आज प्रॉन्स बिरयानी बनाने वाले हैं। उसके लिए हमारा, देखिए, पानी रेडी हो रहा है, पानी बॉईल हो रहा है। उसमें मैंने थोड़ा नमक डाला है, 1 किलो प्रॉन्स लिया हुआ है हमने, उसको नमक और हल्दी डाल के क्लीन किया हुआ है और वो वैसे रखा हुआ है मैरिनेट करके। क्लीन किया पहले अच्छे से, उसके बाद उसको थोड़ा नमक और हल्दी से मैरिनेट करके रखा हुआ है। और ये हमारा पानी है जो मैंने 4 ग्लास चावल लिया हुआ है 1 किलो प्रॉन्स के लिए। और अभी हम, पानी बॉईल हो रहा है हमारा, आगे देखते हैं कैसे कैसे बनाना। जब तक हमारा राइस बॉईल होता है, पानी गर्म होता है राइस बनने के लिए, तब तक हम प्रॉन्स का प्रॉन्स बना देते हैं। इसमें मैं पहले डालूंगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आप आइदर कोकोनट ऑयल जो लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कुकिंग ऑयल जो सनफ्लावर यूज़ करते हो, या फिर मूंगफली का तेल, कोई भी तेल यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने तेल गर्म करने को रखा है, उसमें मैंने ये कुछ गर्म मसाला है, उसमें तेज पत्ता है, फूल है ये वाला, ये देखिए ये वाला फूल, और दालचीनी है, लवंग है, इलायची है, और काली मिर्च है, और ये देखिए ये मैं इसमें डालने वाली हूँ, डाल दिया मैंने। और इसको हम अच्छे से गर्म करेंगे, ये अच्छे से गर्म है हमारा। देखिए तब तक राइस के लिए पानी भी गर्म हो गया। जब राइस के लिए पानी गर्म होगा तो उसमें मैं थोड़ा गैस ख़त्म करके, मैंने नमक ऑलरेडी डाला हुआ है, इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी और मिर्ची डालने वाली हूँ ताकि राइस को थोड़ा कलर मिले। जो हमारा राइस, जब हम इसको दम करेंगे राइस डाल के, तो इसको अच्छा कलर। तेल गर्म होते ही मैंने 4 बड़े प्याज और 2 मिर्ची वो मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको हम अच्छे से अभी फ्राई करेंगे, क्योंकि आधा प्याज मैंने निकालना है गार्निशिंग के लिए और आधा हम लोग उसमें प्रॉन्स कुक करेंगे। ठीक है, अभी हमारा ये देखो, प्याज को अच्छे से हमें खुला रख के आप इसको हाई फ्लेम में, लेकिन हिलाते रहिए, नहीं तो वो जल जाएगा। मैं फटाफट हिला हिला के इसको पका रही हूँ, ब्राउन कलर हमको लेके आना। तब तक हमने राइस भी पानी में डाल दिया है, हमारा राइस कुक हो रहा है। अभी जैसे इसमें उबाल आएगा, मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता और पुदीना भी डालने वाली हूँ। आप देख सकते हैं थोड़ा उबाल आ गया, तो मैंने छोटा छोटा धनिया और पुदीना काट के रखा हुआ है, वो मैंने इसमें डाल दिया। अभी हम चावल को, एक 90% चावल कुक होना चाहिए, उतना जैसे आप नॉर्मल बिरयानी बनाते हो ना, उतना ही हमें पूरा कुक नहीं करना है, 90% कुक करना। अभी देखिए हमारा ऑनियन ऑलमोस्ट एकदम ट्रांसपेरेंट ब्राउन हो चुका है, मैंने थोड़ा निकाल के रख दिया है ताकि हम गार्निश में यूज़ कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे हम, तो आप छोटा छोटा काट के डाल सकते हैं चाहिए तो, मैंने इसको ग्रेट पीस के डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, 2 बड़े बड़े टमाटर लिए हैं मैंने छोटे छोटे काट के, वो हम इसमें डाल देंगे। और हमें इसको अच्छे से सॉफ्ट होने तक, ये जो टमाटर अच्छा सॉफ्ट हो जाए तब तक इसको हमें पकाना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सारे मसाले। ये आप देख सकते हैं हमारे टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। अभी क्या करेंगे, इसमें हम मसाले सारे डाल देंगे और उसको फिर अच्छे से पकाएंगे। इसमें हमें डालना है थोड़ा सा हल्दी, बहुत थोड़ा सा हल्दी डालना है, क्योंकि हमने राइस में भी डाला है, उसको मैरिनेट भी करके रखा हुआ है। और मिर्ची पाउडर स्वाद अनुसार, आपको घर में अगर तीखा पसंद है तो आप तीखा ले लीजिए, और जिसको जब बच्चे घर में है तो आप कम जरा तीखा डालिए। ये है कश्मीरी चिली पाउडर, तो उसमें सिर्फ कलर ही है। फिर 1 स्पून मैंने धनिया पाउडर डाला हुआ है इसमें, मैं गरम मसाला नहीं डाल रही क्योंकि हमने अखा मसाला बहुत डाला है इसमें, इसलिए हम लोग वो नहीं डाले, आप देख सकते हैं। और हमें मसाला अच्छे से पकाना है, इसमें मैं थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी डालने वाली हूँ, 1 स्पून, कोई भी ब्रांड का आप डाल सकते हो। इससे क्या होता है, वो जो टेस्ट अच्छा एनहेंस हो जाता है। अभी मैं इसमें एक छोटा सा आधा ग्लास पानी डालने वाली हूँ, गर्म पानी डालना है आपको। गर्म पानी डाल के
ये हम लोग मसाले को अच्छे से पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें नमक डालेंगे थोड़ा सा। राइस में तो हमने नमक डाला ही है। अच्छे से मिक्स करके नमक डाल के हम प्रॉन्स को पकाएंगे। प्रॉन्स बहुत जल्दी पक जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना प्रॉन्स को। जब आप ओवर कुक करते हो ना, वो एकदम रबर जैसे हो जाता है। तो हमारा नमक और हल्दी में जो मैरिनेटेड हमारा प्रॉन्स है वो मैं इसमें डाल देती हूँ। अभी इसको हम लोग ढक के 5 से 10 मिनट पकाएंगे, डिपेंड करता है कौन सा प्रॉन है आपका, कैसे है। और इसके बाद हम लोग इसको दम देंगे। इस टाइम में आप जरा टेस्ट करके देख लीजिए कि मसाला कम ज़्यादा कुछ है तो आप उसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं गार्निश इसमें कर दूंगी धनिया पत्ता डाल के, और इसको हम लोग अभी पकाते हैं। इस स्टेज में मैंने 1 स्पून दही डाला है, मैं आपको बताना भूल गई थी पहले। ये देखिए, ये जो लास्ट का जब होता है, लास्ट में हमने एक अच्छा गाढ़ा वाला दही डाला हुआ है 1 स्पून, ठीक है। और अभी हम इसको पकाएंगे। अभी ये अच्छा गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं जो हमने बनाया हुआ राइस देखी कितना अच्छा कलर में आया हुआ है, आप देख सकते हैं अच्छा कलर आया हुआ है। तो ये राइस अब मैं धीरे धीरे इसमें डाल के हम लोग फिर उसमें आधा राइस पहले डालेंगे और बीच में मैं प्रॉन्स जो कुक किया हुआ है हमने वो डालेंगे। अभी मैं थोड़ा सा उसमें धनिया पत्ता डाल देंगे हम लोग, और फिर ये प्रॉन्स हम पूरा इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं मैंने प्रॉन्स उसमें डाल दिया है। अभी हम लोग बाकी और राइस पूरा ऊपर तक इसका ढक देंगे। थोड़ा सा राइस और ऊपर से हम लोग इसको पूरा ढक के एक 15 to 20 मिनट्स में इसको दम देने वाले। देखिए वो हल्दी और मिर्ची हमने डाला था तो राइस का कलर बहुत ही सुंदर आया हुआ है। और एक चीज़ और है, जब आप राइस बनाते हो उसमें एक ड्रॉप ऑयल भी डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे तो क्या होगा, राइस ऐसे सेपरेट आए। अभी आप देख सकते हैं मैंने पूरा राइस ऊपर तक डाल दिया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा जो बचा हुआ धनिया पत्ता और पुदीना है वो मैं डाल दूंगी ऊपर से गार्निश के लिए। और हमने जो ऑनियन फ्राई किया था, याद है जब हमने किया तो मैंने थोड़ा निकाल के रखा था, मैंने आपको बताया था, वो ये टाइम हम लोग इसके ऊपर डाल देंगे। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सैफ्रन मिल्क भी डालने वाली हूँ। देखिए सैफ्रन मिल्क हमने बनाया, वो हम लोग इसके ऊपर डाल देंगे। और इसके बाद इसको हम ढक के, चाहिए तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर एक वेट डाल सकते हैं ताकि ये, या फिर आप साइड में इसको सील कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर वेट डाल के इसको 15 टू 20 मिनट्स दम देगा। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, अभी हम देखते हैं कि हमारा बिरयानी कैसे दिख रहा है। देखिए एकदम मज़ेदार बिरयानी, और इसको आप रायता, पापड़, इस सब के साथ सर्व करके बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए चावल देखो कितना अलग अलग, एकदम सेपरेट चावल बना है। तो आप वो जब मैंने बताया ना आइडिया, आप वो जब चावल बनाते हैं तो उसमें एक ड्रॉप ऑयल डाल दीजिए बस, और ये रहा आपका मज़ेदार प्रॉन्स बिरयानी रेडी। आप लोग ऐसे ही हमें अपने रेसिपीज़, आपको जो जो चाहिए हमें बताते जाइए, हम आपको रेसिपीज़ बना के आपके जो भी डिमांड्स है वो हम करके दे देंगे, बना के दे देंगे। अगर आप लोग ने पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और उनको बताइए कि देखिए ये डिशेस हैं, कम ऑयल के साथ हेल्दी खाना हम लोग बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल।